चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर का रिव्यू। तो सिंपल के अंदर तीन तरह के मॉइस्चराइजर आते हैं, एक ये हाइड्रेटिंग वाला, एक रिच वाला आता है और एक मॉइस्चराइजर आता है जिसके अंदर SPF होता है, बट इट्स अ नॉर्मल वाला मॉइस्चराइजर, लाइक इसके अंदर SPF वगैरह नहीं है। क्योंकि इसी की रिक्वेस्ट मुझे सबसे ज्यादा आ रही थी कि दी सिंपल के हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर का रिव्यू हम लोग के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल पैकेजिंग की। तो बेसिकली आपको ये कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर रिसीव होता है। दिस इज सिंपल हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर एंड ऊपर आप देख सकते हो या मेंशन है दिस इज फॉर सेंसिटिव स्किन एंड ये क्लेम कर रहा है कि 12 आवर्स तक आपकी स्किन पे ये मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा एंड दिस इज वेरी काइंड टू स्किन। कोई भी आर्टिफिशियल परफ्यूम नहीं है, कलर नहीं है, हार्श केमिकल नहीं है एंड एल्कोहल नहीं है, एनिमल डिराइव्ड इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। सो प्राइस की अगर बात करें तो MRP यहां पे 430 मेंशन है एंड क्वांटिटी आपको मिलती है 125 ml। एंड ये मैंने परचेज किया है अमेजोन पे, तो अच्छे वाले डिस्काउंट पे आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगा। एंड दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, नॉन कॉमेडोजेनिक एंड हाइपो एलर्जिक, लाइक ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है एंड किसी भी तरह से आपकी स्किन को रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है। अगर मैं आपको बोलूँ तो ऑल स्किन टाइप पीपल कैन यूज दिस, लाइक अगर आपकी ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, इवन सेंसिटिव है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो यहाँ चलिए बात कर लेते हैं कुछ इसके इंग्रेडिएंट की। तो फर्स्ट इसके अंदर है एक्वा जो कि वाटर होता है। नेक्स्ट इज ग्रिसलिन। वी ऑल नो कि ग्रिसलिन हमारी स्किन में मॉइस्चराइजेशन हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है दैट इज पैराफिनियम लिक्विडियम, इसको लिक्विड पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। इट्स ए हाईली रिफाइंड मिनरल ऑयल जो बेसिकली आपकी स्किन में एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है, आपकी स्किन को नरिश करने का काम करता है। तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए काफी काइंड मिनरल ऑयल है, लाइक ऐसा नहीं है कि मिनरल ऑयल है तो आपकी स्किन को रिएक्ट करेगा, काफी काइंड है ये स्किन में। एंड जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज बीसाबोलोल, ये बेसिकली एक सूदिंग इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन में एंटी इंफ्लामेशन का काम करता है। लाइक अगर आपको इंफ्लामेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी स्किन काइंड नहीं है तो उसको एक सूदिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज बोराक्सीड ऑयल, बेसिकली ये भी आपकी स्किन में एक जो नरिशमेंट वाला काम होता है वो ही करता है। तो बेसिकली इसके जितने भी इंग्रेडिएंट है ना सारे बहुत अच्छे वाले एंटी ऑक्सीडेंट है, स्किन को नरिश करने का काम करते हैं, हाइड्रेट करने का काम करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी तरह का ऐसा क्लेम नहीं कर रहा है कि आपकी स्किन पे जो भी एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्ने स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, ये आपकी स्किन को इवन बनाएगा, गोरा बनाएगा, एज सच इसका कोई भी इस तरह का क्लेम नहीं है। बेसिकली ये क्लेम है कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, दैट्स इट। तो इसके जितने भी इंग्रेडिएंट है ऑलमोस्ट सारे एंटी ऑक्सीडेंट वाले हैं और इस तरह के हैं कि वो आपकी स्किन को नरिश करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे और सूदनेस प्रोवाइड करेंगे स्किन को। एंड इसके अंदर प्रो विटामिन B5 है जो बेसिकली आपकी स्किन में ह्यूमेक्टेंट का काम करेगा। तो जो भी आपकी स्किन का वाटर कंसिस्टेंसी है, वाटर लेवल को जो मेंटेन करने का काम होता है वो प्रो विटामिन B5 करता है। एंड मिंट के अंदर इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट है दैट इज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड एक स्किन नेचुरल मॉइस्चराइज इंग्रेडिएंट है। तो ये क्या करता है, जितने भी अदर इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है उनको स्किन के अंदर पेनिट्रेशन का काम करता है। तो अगर इसका परसेंटेज काफी ज्यादा कम होगा तो आपकी स्किन के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन सोकअप नहीं करेगी, स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होंगे। तो लैक्टिक एसिड होने के कारण जब भी आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकता है 30-40 सेकेंड्स के लिए, एंड उसके बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। और ऐसा शे भी नहीं है कि टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है तो आपको रिएक्ट होगा, एक्ने हो सकते हैं, छोटे छोटे टाइनी बर्म्स हो सकते हैं, वैसी प्रॉब्लम भी नहीं है। जस्ट लैक्टिक एसिड थोड़ा सा टिंगलिंग वाला काम करता है, वो भी काफी लोगों को करता है, काफी लोगों को नहीं करता है। तो अगर इसको अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन हो तो प्लीज आप डरे नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब लैक्टिक एसिड के कारण हो रहा है। एंड बाकी इसके अंदर विटामिन ई है। वी ऑल नो कि विटामिन ई हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे लेवल में एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं विटामिन ई में। तो यार दिस इज ऑल अबाउट इंग्रेडिएंट लिस्ट। एंड बाकी बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की। सो दिस इज द इनर पैकेजिंग। ये आपको कुछ इस तरह की बहुत ही सिंपल सी ब्यूटीफुल सी एक बॉटल के अंदर रिसीव होता है, प्लास्टिक की बॉटल है ये और ऊपर आपको इस तरह का यहाँ पे कैप मिल जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये थोड़ा सा ना थिक कंसिस्टेंसी का है, यू कैन सी। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे ना तो स्किन के अंदर बहुत जल्दी से सिंक इन हो जाएगा, बट इसको लगाने के बाद आपको
लाइक बोलते हैं ना कि लाइट फील होता है, वैसा मुझे इसका बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि स्किन को बहुत लाइट लगेगा। थोड़ा सा आपको फील होगा कि यस हमने कुछ अप्लाई किया है, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है, बट आपको दिखेगा सिर्फ कि आपकी स्किन काफी अच्छे से मॉइस्चराइज हुई है। जैसा ही क्लेम कर रहा है कि 12 आवर्स तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, वैसा कुछ नहीं है। यस इसको अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 2 घंटे तक आपकी स्किन काफी अच्छे से मॉइस्चराइज लगेगी। इवन समर्स में जो जितनी गर्मी अभी है उसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, मतलब ऐसा एज सच बहुत हैवी मॉइस्चराइजर की हमें नीड नहीं होती है। बट यस अगर आप इसको रेनी सीजन में या विंटर्स में यूज करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके पहले बहुत अच्छा सा एक सीरम यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी स्किन काफी ज्यादा हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि इसको लगाने के बाद एज सच इतनी ज्यादा हाइड्रेशन नहीं मिलती है। यस स्पेशली मैं इसको ना नॉर्मली अपना फेस वॉश करने के बाद डायरेक्ट यूज कर रही थी, क्योंकि जस्ट मुझे देखना था कि ये नॉर्मली आप अगर एक मॉइस्चराइजर लगाते हो तो वो कैसा फील होता है। बट इसको जस्ट नॉर्मल अगर आप लगाओगे ना तो आपको इतना अच्छे से हाइड्रेशन नहीं मिलेगी। इसको अगर आप सीरम, जैसे मैं अपना लोरियल का हाइलोरिक एसिड सीरम यूज करने के बाद इसको अप्लाई करती हूँ, तब मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, काफी अच्छी सी मेरी स्किन हाइड्रेट लगती है। तो यस सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, तो इसको लगाने के बाद एज सच मेरी स्किन पे रिएक्ट नहीं हुआ था, स्किन काफी ज्यादा काम थी, सूथ थी। और यस एक अच्छा सा हाइड्रेशन जो एक ऑयली स्किन को चाहिए होता ना, उतना हाइड्रेशन ये प्रोवाइड करता है। बट यस अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये यूज करना चाहिए। इसका टेक्सचर जो है काफी ज्यादा क्रीमी है, बट बहुत टाइम तक आपको हाइड्रेशन नहीं देगा स्किन को। सो यस अगर आपकी एक्सेस में ऑयली स्किन है, सेंसिटिव है, एक लाइट सा मॉइस्चराइजर आप चाह रहे हो, ज्यादा हैवी ना लगे, बहुत ज्यादा ऑयली या ग्रीजी आपके फेस को ना बनाए, तो यू कैन गो फॉर दिस। अच्छा मॉइस्चराइजर लगा मुझे, मतलब नॉर्मल रेंज के अंदर, एल्कोहल नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी लाइक डाइज कलर परफ्यूम इस तरह के कोई भी इस तरह के इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमारी स्किन को हार्म करे। सो या दिस इज द ओवरऑल रिव्यू, काफी अच्छा लगा मुझे। आप मेरी बॉटल की हालत से देख सकते हो, मैंने इसको बहुत अच्छे से पिचकू पिचकू करके पूरा निकाल दिया है, अभी मेरा सिर्फ इतना सा प्रोडक्ट बचा है। काफी अच्छा लगा, मेरी टाइप की स्किन है अगर आपकी, तो यू कैन गो फॉर दिस। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विद सिंपल हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर। अगर इसके और भी वेरिएंट है उसका भी रिव्यू अगर आप चाहते हो मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, फॉर श्योर मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आऊंगी। सो ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी गाइज। सो या मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।